मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं 7:15। तो आज मौसम देखिए ऐसे हो रहा है जैसे कि बारिश आएगी बहुत तेज और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, गर्मी थोड़ी सी दूर सी हो गई है। और हम जा रहे हैं अभी मार्केट, बड़ी मार्केट, क्योंकि वहाँ से लेकर आएंगे हम थोड़ी सी सब्ज़ी, क्योंकि जाना नहीं हो पाता और यहाँ पर सब्ज़ी भी थोड़ी महंगी मिलती है। तो हम वहाँ पर बड़ी मार्केट जाएंगे, तो वहाँ से सामान लेकर आएंगे, टमाटर प्याज वगैरह देखते हैं और क्या क्या लेकर आते हैं, कि जो भी लेकर आएंगे हम आपको जो दिखाएंगे। तो चलिए तो चलते हैं। अनमोल के पापा कर रहे हैं कोलगेट वगैरह, आपको मिलते हैं हम मार्केट। Moments later. गोभी पनीर बना दी। देखिए हमने सब्जी ले ली है और हम जा रहे हैं घर। आ चुके हैं सब्जी लेकर। तो अब अनमोल के पापा जा रहे हैं ऑफिस और मैं जा रही हूँ ESI डिस्पेंसरी अनमोल के पापा की और मेरी दवाई लेने के लिए, क्योंकि हमारी दवाई नहीं आई इस मंथ की, तो मैं दवाई लेने जा रही हूँ डिस्पेंसरी। तो चलिए चलते हैं डिस्पेंसरी। और बच्चे यही है क्योंकि अनमोल के रात से पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए उसकी छुट्टी करवा दी। और अनुराग तैयार हो गया था और जब मैं आई तो मम्मी दर्द हो रहा। फिर इसके पापा कह रहे देख ले तू भेजेगी, तो फिर उसके बाद में इसको वहाँ दर्द हो गया, तो तू कैसे लेकर आई। तो अब उसकी भी छुट्टी हो गई और उसकी भी छुट्टी हो गई पेट के दर्द की वजह से। तो मैं जा रही हूँ डिस्पेंसरी, तो चलिए चलते हैं। निकल चुके हैं डिस्पेंसरी के लिए और अनमोल के पापा ऑफिस चले जाएंगे वहीं से ही।
ये छोड़ कर एक घंटा हो गया मुझको यहाँ पर, अभी टाइम लगेगा थोड़ा, आधा पौना घंटा और लगेगा। और अनमोल के पापा ऑफिस जा चुके हैं तो उसके बाद मैं जाऊँगी घर। छठा सातवां नंबर है मेरा दवाई लेने का, मैंने डॉक्टर से दवाई लिखवा ली है और अब मुझको दवाई लेनी काउंटर से, तो दवाई लेकर फिर घर निकलते हैं। देखिए आज बहुत भीड़ है आज डिस्पेंसरी में, आज ज़्यादा भीड़ है। मंडे को खाली पड़ा था और कल सर्वर डाउन था, इस वजह से मैं नहीं आई थी, तो आज भीड़ है। ये देखिए बस थोड़ा सा ही नंबर रह गया, यहाँ पर मिल रही है दवाई। दवाई मैंने ले ली और अब जा रही हूँ घर, तो घर पहुँच कर मिलती हूँ आप लोगों को। देखिए गाइस मैं आ चुकी हूँ डिस्पेंसरी से दवाई लेके, और अभी मेरी दो दवाइयाँ रह गई हैं जो मुझे बाद में लानी है। मगर गाइस मम्मी आते ही नहाई सो गई, हम भी और सो मैं नहाई और मैं सो गई, मेरे को ठंड लग गई। मैं आते ही नहाई ना, मिस्टी से बुलवाओ तो कुछ। मुझे एकदम ठंड लगी और मैं चद्दर ओढ़ के सो गई। हमें मिस्टी से बुलवाओ, ऐसा लगा जैसे पता नहीं बुखार हो रहा है। मिस्टी बोलिए कुछ, मिस्टी बोलियो। हेलो गाइस, तो दानी बोलो, आगे भी कुछ बोलो। तो अब मैं पी रही हूँ चाय और मैंने लंच बना दिया है। सुबह नाश्ता में बच्चों को करा के गई थी तो अब हम चाय पी रहे हैं। मेरे को चाय पीने का तब मन हो रहा था पर मैंने चाय नहीं पी, मैं सो गई नहाते ही, ठंड लग गई मुझे। तो चलिए तब मिलते हैं लंच करने, मिलेंगे हम। चावल रात को ख़त्म हो गए थे, मैंने अभी चावल बनाए हैं, राजमा रखा हुआ है। और आज हमारे चावल जल गए, अनमोल को बोला मैंने कम कर दे गैस और उसने कम नहीं करा तो नीचे से हमारे सारे चावल जल गए। तब गुस्सा आ रहा मुझे अनमोल पे भी, आज थोड़ी महक हो गई चावलों में, कोई नहीं खाने तो पड़ेंगे। देखिए इसकी गलती, चलिए तो खाना खाते हैं हम लोग। मतलब गैस में हीट ज़्यादा कर दे तो जल गए, गैस की गलती। सांप सृष्टि के कमरे में से, ये देखिए कहाँ है ना सांप, ये देखिए जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए सांप निकला छोटा सा, दोनों तरफ से पन्नी में डाल के लाइए। ये देखिए छोटा सा बच्चा है, एक ऐसे रखी पन्नी, ये इसको देखो, हाँ ये सच में सांप है, इसके ऐसे भी, ये देखिए भी है। अरे जा फेंक के अभी इसे, रुक जा रुक जा रुक, ऐसे रखियो बस, अभी से यूट्यूब पर डालेंगे। ये देखिए अब सृष्टि जा रही है। मुझे सांपों से डर नहीं लगता, मैं तो कह रही थी मैं हाथ से उठा के डालूं, मम्मी कह रही थी नहीं सांप छोटा हो या बड़ा हो, झेल बना ही होता है भाई। झूठे बोले, झूठ बोले भाई, इसके भाई भाई इसके सामने छिपका ली रख दो, अभी भाग जाएगी। मैं कहां पे डालूं तो हो। हमने हरी मिर्ची मंगाई थी तो उसके डंडे तोड़ तोड़ कर रख रही, और मैंने कराए देखे फ्रिज साफ, और मैंने फ्रिज साफ करते हुए वीडियो नहीं बनाई थी तो पूरा फ्रिज क्लीन कराया है मैंने। अभी देखिए सब्जी लाई थी, जो सब्जी लगाई है ये देखिए सारा क्लीन कर दिया है मैंने फ्रिज।
क्योंकि सामान रखने की जगह नहीं थी, तो फिर इसको साफ करना पड़ गया मुझे। तो सारी सब्जियां लगा दी मैंने। सब्जियों में लाई थी मैं पत्ता गोभी, बंद गोभी, अरबी और करेले, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्ची और टमाटर। तो ये सब सामान रखने के लिए फ्रिज में जगह नहीं थी, तो कई दिन हो गए फ्रिज साफ नहीं करा था, तो आज फ्रिज को क्लीन कर दिया है और सब्जियां सारी लगा दी है, क्योंकि एक एक दो सब्जी लाने के लिए कभी कभी आलस आ जाता, तो इकट्ठी 6-7 सब्जी ले आई हूँ मैं, ताकि रोज़ बन जाए। सुबह बच्चों को भी दिक्कत होती है, तो लंच के लिए सुबह बना दे करूँगी मैं। तो अब अनमोल करवाएगा मेरे साथ सफाई, यहाँ से आधे कमरे की सफाई करनी, क्योंकि मैंने फ्रिज साफ करा है तो थोड़ा सा यहाँ पर हो गया है गंदा। तो फिर उसके बाद मैं करूँगी मैं खाने की तैयारी, शाम के खाने की सब्जी काटूँगी मैं अभी। तो चलिए तो कर मिलते हैं आपको काम करने के बाद। कर रही हूँ खाने की तैयारी, खाने में बना रही हूँ आज मैं गोभी, फूल गोभी और शिमला मिर्च। बहुत दिन हो गए शिमला मिर्च और ये नहीं खाए, तो चलिए तो करते हैं खाने की तैयारी। अभी पूछ कर आती हूँ मम्मी क्या खाएंगे, क्योंकि अर्जेंसा नहीं है, तो पूछ कर आती हूँ मम्मी क्या खाएंगी, तो फिर मतलब वही दाल वाल बना रही हूँ मैं। तो सब लोग करते हैं खाने की तैयारी। तो देखिए मेरा खाना बन चुका है और अब मैं फ्री, टाइम हो गया 7:10 और मैंने खाना बना के रख दिया है। और मम्मी की खिचड़ी रखी हुई है, मम्मी ने कहा मेरा खाना नहीं बनाना, पापा का खाना मैंने भेज दिया है, तो अब अनमोल के पापा आएंगे खाना खाएंगे। तो आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अच्छा मौसम हो गया। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए झंडा कैसे लहरा रहा है, ये देखिए मेरी चुन्नी कैसे लहरा रही है। तो आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा, बहुत ही ठंडक हो रही है, अगर पंखा तेज चला लो तो मतलब लग रहा है कि हाँ ठंड आ गई है। ऐसा जल्दी मौसम हो जाए तो अच्छी बात है, तो थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, जितनी बारिश हो रही थी उतनी डबल गर्मी हो रही है। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा एकदम। और मैं अनमोल के पापा का इंतज़ार कर रही हूँ कब आएंगे। ये देखिए मैं गैलरी में खड़ी हूँ, ये देखिए गैलरी में खड़ी हूँ, तो देखते अब कब आएंगे। मेट्रो से आएंगे आज, बाइक वहीं छोड़ कर आएंगे ऑफिस में, उन्होंने कहा मैं बाइक छोड़ कर आऊँगा और मेट्रो से आऊँगा। तो फिर 10-15 मिनट हो जा रहे हैं, आने ही वाले 7:30-7:30 बजे तक आ जाएंगे। तो चलिए कल अनमोल के पापा आते हैं, जब मिलते हैं हम आपसे। गाइस ये फ्रीजर का जो ढक्कन है ये काफ़ी दिनों से टूटा हुआ है, आते ही लग गए इसमें। अब ये देखिए तार जोड़ रहे हैं, ये देखिए इसका जुगाड़ कर रहे हैं उनके पापा ने, कर दिया है इसका जुगाड़। अब ये देखिए एकदम जुगाड़ कर दिया, इसमें तार बांध दिया है, वार्सन लगा दिया ताकि ये निकले ना। देखिए गाइस चिली पोटैटो लाए बच्चों के लिए, बच्चे खा रहे हैं चिली पोटैटो दोनों। कल चिली पोटैटो लाए थे तो अनुराग ने नहीं दिया कि तेरे पेट में दर्द हो रहा अनमोल, तो आज अनमोल के पापा लेकर आए। तो देखिए मैं चाहूं तो समय नहीं दे सकता, मगर दे रहा देना पड़ेगा भाई है। तो देखिए गए हमारी सब्जी बन चुकी है और हम खा रहे हैं खाना, अनमोल के पापा आ चुके हैं, आइए आप भी खा लीजिए खाना हमारे साथ में। हमने खाना वाना खा लिया है सब ने, और बज गए हैं 8:10, आज हम सारे कामों से निपट गए खाने से भी, तो आज जल्दी खाना खा लिया तो हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमें, खाना हमारा लेट हो रहा है और
डेढ़ सवर होता, नहीं तो हम 8-8:30 बजे तक खाना खा लेते थे। तो हमने वो अब रूटीन बना लिया है कि हम जल्दी खाना खाया करेंगे ताकि खाना भी सही से हजम हो जाए और बस सही रहे। और आप करते हैं हम वीडियो का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई ब्लॉग में, एक नई टाइटल के साथ। तब तक के लिए प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए और अपने घरों में सुरक्षित रहिए। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय।